क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं. इन अ वर्टिकल यूट्यूब कंटेनिंग लिक्विड द टू आर्म्स आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2. द लिक्विड कॉलम्स इन द टू आर्म्स हैव हाइट्स L1 एंड L2. द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. अब इस यूट्यूब के अंदर पानी जो पहले भरा होगा वो तो सेम ही लेवल पर भरा होगा, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उससे डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. अब हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और अगर इसका उल्टा कर दे, इसका मतलब 1/डेंसिटी ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास. तो अगर मैं वॉल्यूम कोफिशिएंट को यूज करूं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, वॉल्यूम एट सर्टन टेम्परेचर टी, वॉल्यूम एट सम टेम्परेचर टी, या वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1 सपोज, क्योंकि यहां पर T1 और T2 दो टेम्परेचर दे रखे, तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0°C इंटू 1+γ, ये कोफिशियंट है, और इंटू टेम्परेचर T1. अब अगर इसको मैं मास से डिवाइड कर दूं, तो मास से डिवाइड करने पर दोनों तरफ मास से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म कन्वर्ट हो गई डेंसिटी वॉल्यूम अपॉन मास, 1/डेंसिटी. तो 1/डेंसिटी एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू ये चीज हो गई 1/डेंसिटी एट 0°C और इंटू 1+γ T1. अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही रिलेशन दूसरे लिम के लिए आ जाएगा जिसमें टेम्परेचर T2 है. तो यानी 1/डेंसिटी एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 1/डेंसिटी एट 0°C प्लस 1+γ इंटू T2. अब इन दोनों रिलेशंस का यूज हम कर सकते हैं. यूट्यूब के अंदर लिक्विड इधर L1 हाइट तक दे रखा है, L2 हाइट तक दे रखा है, और इधर L1 हाइट तक दे रखा है. तो यहां पे L1 हाइट है और यहां पे L2. हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर इधर से प्रेशर बोलो तो इधर से प्रेशर बोलो तो इक्वल ही आएगा. प्रेशर इक्वल है तभी तो ये पॉइंट यहां पर एडजस्टेड होगा. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इस पॉइंट के प्रेशर को इधर की तरफ से या इधर की तरफ से, रो इधर की डेंसिटी, रो टेम्परेचर 1 पे, इंटू जी इंटू यहां की हाइट L1, और इधर वाला पार्ट जो इधर वाली लिंब है उसका प्रेशर लिख सकते हैं रो टेम्परेचर T2 पे इंटू जी इंटू L2. यानी कुल मिला के रो T1 इंटू L1. तो रो T1 की जगह यहां से इसका उल्टा कर दूंगा, रो T1 आ जाएगा. तो रो T1 की जगह लिख सकता हूं रो 0/1+γ T1 इंटू L1, और यहां पर लिख सकता हूं रो 0/1+γ T2 इंटू L2. अब ये रो 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो L1+γ T2 बराबर L1+L1γ T2 बराबर L2+L2γ T1. हमें गामा चाहिए तो मैं गामा वाली टर्म को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, इसको इधर. तो इसलिए L1-L2 इज इक्वल टू ऐसा हो गया, और इधर हो गया L2T1-L1T2 इंटू गामा. अब चूंकि गामा चाहिए तो गामा की वैल्यू आ गई L1-L2/L2T1-L1T2. यही हमारा आंसर है, और ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो फर्स्ट है. तो इसलिए इस सवाल का आंसर फर्स्ट मैच हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ आइस एट -10°C इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100°C. -10°C पर ब्लॉक है सॉलिड स्टेट में, तो -10°C ये तो सॉलिड स्टेट हो गई, सॉलिड आइस. अब ये पहले हीट होगा, इसको जब हीट देंगे तो इसको हीट देने से सबसे पहले टेम्परेचर 0°C का इंक्रीज होगा, और ये सॉलिड आइस ही रहेगा 0°C तक. इसको वापस हीट देंगे तो ये 0°C पे वाटर बन जाएगा, यानी लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड वाटर. फिर इसके बाद इसको और हीट देंगे तो ये 100°C पे लिक्विड बॉइल होने लग जाएगा, यानी रहेगा तो वाटर ही, और इसके बाद फिर स्टीम में कन्वर्जन होगा, यानी कि 100°C की स्टीम बन जाएगी, यानी गैसियस स्टेट में आ जाएगा. तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस चलेगा. पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा,
फिर बिना टेम्परेचर इंक्रीज सेम टेम्परेचर पे मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, फिर मेल्ट होने के बाद में फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर से एक बार लिक्विड से गैस बनेगा, और फिर उसके बाद गैस का भी टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। ये पूरा प्रोसेस रहेगा और ये प्रोसेस फर्स्ट वाले ग्राफ में बहुत अच्छी तरह से शोन है। इस प्रोसेस को अगर मैं ग्राफिकली शो करना चाहूं, और इस तरफ हीट सप्लाइड है और इस तरफ टेम्परेचर है, तो माइनस 10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहले तो टेम्परेचर बढ़ा, तो इसलिए ग्राफ ऐसा आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा और हीट भी देना पड़ी। फिर इसके बाद हीट तो दी लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, हीट तो दी, हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया। उसके बाद फिर हीट देंगे, अब यहाँ पे पूरा यहाँ पर आइस था, यहाँ पे लिक्विड बन गया, और अब फिर से एक बार टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर टेम्परेचर बढ़ा लिक्विड का, और फाइनली इसके बाद जब हीट देंगे तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगा। और ये वाला ग्राफ जो है वो आंसर वन में दिया हुआ है, इसलिए आंसर वन ये करेक्ट आंसर है। नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को ले लेते हैं। अ कार्नो इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्नो इंजन को अपन ऐसे शो करते हैं जिसमें एक हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर होता है जिसको TH टेम्परेचर बोलते हैं, ये इंजन होता है, और एक लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर होता है, और हम यहां से हीट लेते हैं, यहां से हीट रिजेक्ट करते हैं, और इससे अपने को वर्क मिलता है। ये इंजन का बेसिक प्रोसेस होता है। अब इसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो लो टेम्परेचर है, हैज एफिशिएंसी 50%, लो टेम्परेचर तो 7% है, ये है लो टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर है, मतलब इसमें 273 ऐड कर दूं प्लस 7 तो ये केल्विन में आ जाएगा, और केल्विन में होगा 280 केल्विन, ये तो हो गया इसका लो टेम्परेचर, और इसकी इफिशियंसी 50% है, तो इफिशियंसी 50% यानी 0.5, इफिशियंसी का फॉर्मूला हाई टेम्प 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, यानी 1 माइनस लो टेम्परेचर तो 280 है अपॉन हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर निकालना है, तो इसको इधर ले लेता हूँ, 280 अपॉन TH बराबर 1 माइनस 0.5 इधर ले लेता हूँ, तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 यानी 1/2 बचता है, तो TH की वैल्यू आ गई 560 केल्विन, ये तो हाई टेम्परेचर आ गया फर्स्ट सिचुएशन में। अब ये बोलता है कि इट इज डिजायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, अगली बार एफिशिएंसी को 70% करना है, और उसके लिए हाउ मेनी डिग्रीज टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का बढ़ाना है ये सेम रखना है, तो इसका मतलब अगली बार 0.7 एफिशिएंसी है, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर तो सेम रहेगा लेकिन हायर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस लोअर टेम्परेचर तो 280 रहेगा लेकिन हायर टेम्परेचर को चेंज करना है TH डैश, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, 280 अपॉन TH डैश इज इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर किया, तो 1 में से 0.7 चला गया तो 0.3 बचा, 0.3 इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर, तो इसलिए हायर टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 280 अपॉन 0.3 नीचे आ गया, 0.3 मतलब 3/10, तो 3 × 10 ले लेता हूं इधर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 × 9 = 27 अप्रोक्सीमेटली, ये हायर टेम्परेचर TH डैश की जो वैल्यू आएगी वो 3 × 9 = 27, तो बचा 1/10 यानी 3 × 9 = 930 या 933 केल्विन के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ मैं। अब इसमें से इसको, ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो TH डैश माइनस TH, ये डिफरेंस सवाल में पूछा गया था, 933 - 560 तो 3 13 यानी लगभग 7 और 8 370 के आसपास, 373 केल्विन, अब ये अप्रोक्सीमेट निकाला है कैलकुलेशन, और हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से 4th ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है, तो आंसर जो हो गया वो 4th ऑप्शन हो गया, यानी 370 केल्विन, ये जो आंसर है ये इसके बिल्कुल क्लोज है, और ये क्लोजेस्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है।